भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रादि के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही है। लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो उपवास किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन यदि सुहागिन स्त्रियां उपवास रखें, तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनका गृहस्थ जीवन सुखद होने लगता है। सामान्यतः विवाहोपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस उपवास को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। मान्यता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपवास अथवा व्रतादि नहीं है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में तो इस दिन अलग ही नजारा होता है। करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद को देखने के लिए बेताब हो जाती हैं। दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखने के बाद आसमान के चमकते चांद को दीदार कर अपने पति के हाथों से निवाला खाकर अपना उपवास खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे अधिक वीडियो देखने के लिए अर्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी लाइक करें।